ये हमारे कमलेश होता साहब। कमलेश होता साहब, क्या हो रहा है आज यहाँ पे? बस आज रंगत प्रोडक्शन का प्ले। राजेंद्र साहब। और ये सचिन शाह है, नाटक के प्रोड्यूसर। अभी हम कुछ समय में कमलेश जी, संजय जी हमारे, संजय जी। हाय संजय जी, ये लोकेशन के इंचार्ज हैं। ओके ओके ओके। बसरा स्टूडियो में जहाँ पे आप बस रहे हैं। हम बस रहे हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे बस रहे हैं। आइए, आपको शेयर कराते हैं हमारे प्ले। बिल्कुल, ले चलिए आइए। पंडित जी, आपको यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप समय निकाल के आए और आप खुद स्वयं ये शूट कर रहे हैं। नहीं, मुझे भी बहुत आनंद हुआ, बहुत समय बाद शूटिंग पे जाने का मौका मिला। एक्चुअली कोरोना के बाद, कोरोना के बाद बहुत ही महाराज साहब के आशीर्वाद मिलेंगे और बिल्कुल बिल्कुल अच्छा काम होगा। नहीं, वही इसीलिए मैं आया हूँ कि महाराज साहब का चल रहा था तो मैंने बोला कि चलो लाभ लिया जाए। और अभी कमलेश भाई हमें ले चलेंगे। ये है राजन जी, ये हमारे कैमरा मैन है राजन जी। हाय राजन जी, बहुत सुबह से मेहनत करते हैं हम लोग, रात तक देर, सुबह 7 बजे की शिफ्ट में आते हैं और रात को 3 बजे आते हैं, तो तब तक राजन जी हिलते हैं। ये है हमारे वसंत दादा, हमारे लाइट वसंत दादा इंचार्ज है, जो हम उम्मीद रखते हैं कि हमें सेट कभी कभार 11 बजे भी दिया करें। उनकी वजह से अभी तक देते नहीं है, सेट का माहौल लाइट रहता है। अभी तक 1 बजे देते हैं और सेट का माहौल यस लाइट। एंड एवरीबॉडी इज सो डार्लिंग पीपल के सब बहुत ही हेल्पफुल और सब हमारे साथ निकलते हैं। ये हेतल जी हमारी कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, जो सारे 35-40 एक्टर्स को तैयार करती है, उनकी कंटिन्यूटी देखती है। ये हेतल जी ना आए तो सब लोगों की अवस्था बहुत खराब होगी। यस, हमें कपड़े पहनाने वाले हमारे अन्नदाता जी। ये है हमारे जयदीप साहब, बहुत ही जयदीप भाई तो बहुत ही प्रख्यात अभिनेता है हमारे गुजराती थिएटर के। आज आनंद हुआ जयदीप भाई को भी बहुत टाइम के बाद मिल के। पंकज जी, और आप भी रोल कर रहे हैं, इनका नाम तो बताइए कमलेश जी। अश्मित परमार। अश्मित परमार, वाह वाह वाह। ये हमारे रवि जी, रवि हमारे रवि परमार जी भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत काम किया है उन्होंने, देखा होगा, बहुत ही उम्दा एक्टर है। और जिस भेष में आते हैं उस भेष को एकदम ही शोभायमान कर देते हैं हमारे रवि जी। ये हमारे निमेश जी, नमस्कार, जिन्होंने मेकअप किया जी, मैंने 2 बार कर खुद का किया कि लोगों का भी कर। और आ गया ये आप, ये हमारा कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट है, यहाँ पे हमारे एक्टर्स रेडी है। ये हमारे जीतू कोटक है, बहुत ही नमस्कार सीनियर एक्टर। कौन सी भूमिका कर रहे हैं आप? अंग्रेज। अंग्रेज, आप तो आप पैदा ही सी अंग्रेज। टॉम ऑल्टर के बाद अगर कोई एक्टर ऑल्टर हो सकता है इस रोल में तो वो है हमारे जीतू भाई। थैंक यू वेरी मच। ये जो है नकली अंग्रेज, इनका नाम क्या है? सुरेश भानुशाली। भानुशाली, भानुशाली, वाह वाह वाह। अंग्रेजी में बोलना चाहिए आपको। व्हाट्स योर नेम? सुरेश भानुशाली। सेम बोले। अच्छा, सेम बोलते हैं। नहीं, अच्छी बात है, अंग्रेजी ऐसी ही बोलनी चाहिए ना। आइए सर, ये है और ये है, ये हमारे शरद जी। नमस्कार। बहुत ही सीनियर एक्टर, ये रमन राठौर। नमस्ते रमन जी, आपकी हम दोनों दोनों की अभिनय देखा, हमें मजा आया हमको। थैंक यू बहुत शुक्रिया। आइए मिलते। ये जो है हमारे मनीष जी, ये हमारे अरे नमस्कार नमस्कार। अरे हमारे मनीष जी प्यारे, नमस्कार नमस्कार। वी आर लाइव ऑन आर चैनल ऑफ मनीष जी, हमारे बहुत ही मैं और बहुत ही अच्छे अभिनेता है, आज इनको मिलके हमें बहुत आनंद हुआ है। बहुत बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है, बहुत महीनों से बात भी नहीं हुई। हां हां, तो बहुत अच्छा लगा। हम इसलिए आ गए, आपका नाम सुना कि आप यहाँ पे हाजिर हो, तो हमने बोला कि चलो। क्या बात, बहुत बढ़िया कि पंकज जी आ गए। हाय हाय पंकज। दिलीप भाई हमारे, दिलीप भाई आपको मिलकर बहुत आनंद हुआ, बहुत टाइम बाद, बहुत अच्छे बाद। और एक्चुअली कोरोना के बाद हम लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। यस यस, दिलीप जी भी बहुत ही बड़े कवि, बहुत बड़े अच्छे एक्टर, एंड वी आर हम लोग सब इस बार में मिले हैं, तो हमें तो त्योहार ही से एकदम एकदम। योगेश जी है, योगेश जी आपको सेट पे ले चलते हैं। बट देयर इज नो रूम इन द रूम, देयर इज अ रूम, देयर इज अ प्लेस, सी द एक्टर्स वेटिंग। शरद भाई बैठे हैं, शरद भाई गहन चिंता में। Yeah.
इस प्लेइंग तांत्रिक सो साधना में लगे हुए हैं साधना में आप यहाँ से शॉट लेंगे तो भी अच्छा होगा ये कहते हैं तप तप तपश्चर्या वो तपश्चर्या शूटिंग शुरू हो हम लोग बात नहीं कर पाएंगे बिल्कुल हम खाली दूर से ही उनका मुआयना करते हैं करते हुए हमारे प्रोड्यूसर साहब नाटक के बारे में कुछ जानकारी दीजिए नाटक राजेंद्र सूरी महाराज साहेब मोहन खेड़ा वाले जो सत्य है बहुत ही और हमें खास कुटिया जी ने ये काम किया हुआ है उनका बढ़िया से बढ़िया नाटक नहीं नहीं बिल्कुल मैं अंदर जाके आया बहुत सारे कलाकार एकदम भक्ति भाव से जुटे हुए हैं और बहुत ही अच्छी लग रही है जो भी लेखनी है वो भी बहुत अच्छी है जिस तरह से निर्देशित हो रहा है और सारे कलाकार भी जुटे हुए लगे हुए हैं और ये तभी संभव होता है ना कमलेश जी जब थोड़ी सी आपकी आपकी भावनाएं भी धार्मिक भावनाओं भी उसमें सम्मिलित होती है यस एक्चुअली अगर सच बताया तो कुछ स्टोरीज कुछ कहानियाँ अच्छी बन जाती है उसका रीज़न एक ही होता है कि वो उनके भाव अगर आपके करेक्ट हो एक्सप्रेशन करेक्ट हो आपके दिल से जो इच्छा वो करेक्ट कनेक्ट होती हो तब जाके अच्छा काम होता है एंड वी आर थैंकफुल टू महाराज साहब के उनके आशीर्वाद में हम कभी मिले नहीं है बट उन जैसे कई महान पवित्र आत्माओं के आशीर्वाद में मिलते रहते हैं और हम ऐसा अच्छा काम करते हैं तो ये हमें कब देखने मिलेगी ये जो आप जो शूटिंग कर रहे हैं नाटक का ये आई थिंक 19th को पृथ्वीराज जी बताएंगे कि उसके आसपास ही टेलीकास्ट होगा जी बिल्कुल तो हमें इंतज़ार रहेगा और पूरे संदेश को इस संदेश को मतलब पूरे दुनिया तक पहुंचाने के लिए आप सबका मैं भी आभारी हूं और समग्र जैन समुदाय भी आभारी रहेगा क्योंकि महाराज साहब के आशीर्वचन लोगों तक पहुंचे तो वो भी एक विश्व कल्याण का सबसे उम्दा प्रयत्न है जी और यही इसका उद्देश्य है तो मेरी शुभेच्छाएं आपके साथ है सबकी शुभेच्छाएं आपके साथ है ना तो जय जिनेंद्र जय जी